हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पर हम लोगों ने द एड्रेस स्टोरी, जो कि मार्गा मिंकू के द्वारा लिखी गई है, उसका जो पोर्शन पढ़ा था वो था कि द डॉटर ऑफ मिसेज यस हैड कम टू द राइट एड्रेस। मिसेज यस की पुत्री सही पते पर, माने मिसेज डॉर्लिंग के हाउस पे पहुंची थी। हुआ क्या था, मिसेज डॉर्लिंग रिफ्यूज्ड टू लेट द विजिटर इनटू द हाउस। मिसेज डॉर्लिंग ने उनको अपने घर में घुसने नहीं दिया था और ये कहा था कि वो उसे नहीं जानती। शी क्लोज्ड द डोर आल्सो। द नरेटर लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। इट सेड डॉर्लिंग नंबर 46। उन्होंने, माने मिसेजेस की डॉटर ने, फिर से मैंने दोबारा नेम प्लेट को देखा, उस पर वही लिखा था। क्या लिखा था, डॉर्लिंग नंबर 46, माने वह सही एड्रेस पर थी, गई थी। शी वॉक्ड बैक टू द स्टेशन। जब उन्हें एंट्री नहीं दी गई, मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया, दरवाजे बंद कर लिए, तो वह वापस स्टेशन लौट आई। She walked back to the station and was lost in the memories of the things। और उन वस्तुओं की स्मृतियों में खोई रहीं जो उनके घर में रखी हुई थीं, जिन्हें युद्ध के दौरान मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस यस के घर से ला करके सुरक्षा के लिए रखा था। तो आज हम लोग इसके आगे से पार्ट शुरू करते हैं। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कह रही हैं, बता रही हैं कि ट्रेन में, जब वो ट्रेन में बैठी अपने घर को वापस आने के लिए, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, मिसेज डॉर्लिंग को फिर से अपने सामने, माने जिस प्रकार से एज शी हैड द फर्स्ट टाइम शी मेट हर, उसी रूप में देखा जैसे कि पहली बार जब वो अपने घर पर मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। यह सुबह थी, वह सुबह थी, कौन सी सुबह थी, उस दिन के बाद दूसरी सुबह थी। कौन से दिन के बाद, जिस दिन उनकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उन्हें बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। जो मिसेस की डॉटर हैं वो कह रही हैं कि उस दिन, उस प्रातः, माने उस सुबह, वह हैड गॉट अप लेट, माने थोड़ा देर से उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उन्होंने क्या देखा, सी सा हर मदर, उन्होंने अपनी माँ को, अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को टू सी समवन आउट।
ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, और वो कैसी थी? वो एक ऐसी महिला थी जिनकी बैक जो थी, जो पीठ जो थी, वो ब्रॉड थी, माने चौड़ी थी। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, मिसेस डॉर्लिंग वॉज ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक। देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर। तो मिसेज एस की पुत्री बता रही हैं, बेटी बता रही हैं कि उनकी माँ ने क्या कहा। कहा देयर इज माई डॉटर, वो मेरी पुत्री है, शी बेकॉन्ड टू मी, और उन्होंने माने उनकी माँ ने इशारा भी किया उनकी तरफ। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वुमन ने सिर हिलाया, नॉडेड मतलब सिर हिलाया, एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और कोट रैक के नीचे से सूटकेस को उठा लिया, पिक्ड अप मतलब उठा लिया। शी वोर ए ब्राउन कोट, एक ब्राउन भूरे रंग का कोट पहने हुए थी, एंड ए शेपलेस हैट, और एक हैट लगाए हुए थी जिसकी जिसका कोई आकार नहीं था, माने वह एक अजीब आकार की थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मिसेज यस की डॉटर ने पूछा अपनी माँ से, कहा कि क्या वह दूर रहती हैं? उन्होंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस, वह घर के बाहर जा रही थी हेवी केस के साथ, मैंने हेवी सूट केस के साथ, तो उनको कठिनाई हो रही थी, उसको देख करके मिसेज एस की डॉटर ने अपनी मदर से पूछा, कहा माँ जी क्या ये दूर रहती हैं? तो उनकी मदर ने उन्हें बताया, आंसर दिया, कहा कि इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड हर मदर, उनकी माँ ने कहा मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और नंबर 46 है, रिमेंबर दैट, उसे याद रखिए। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मिसेज एस की डॉटर ने उस एड्रेस को जो उनकी माँ ने बताया था उन्हें याद था, उन्होंने याद कर लिया था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया था। बट शी हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। शुरू में, इनिशियली मतलब एट द स्टार्ट, शुरू में, आफ्टर द लिबरेशन मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, जो नरेटर की डॉटर थी वह वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड, शी वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोरेड स्टफ, जो वस्तुएं उनकी मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ रखी हुई थी उनमें वो कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी उनकी। एंड नेचुरली शी वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और प्राकृतिक रूप से वो शी वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, माने उन्हें इस चीज़ से भय भी लगता था, काफ़ी अधिक उनको भय भी था, वो उन्हें इन सब चीज़ों से डर भी था, क्योंकि अब उनकी माँ नहीं रही थी तो उनकी पुत्री का उन वस्तुओं की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं था, इसीलिए वो ऐसा लिख रही हैं, कह रही हैं। शी वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड।
उन्हें इस बात का भी भय था कि उन्हें उन सब चीज़ों से मुकाबला करना पड़ेगा, कन्फ्रंटेड मतलब मुकाबला, उन सब चीज़ों से मुकाबला करना पड़ेगा दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन, जिनका संबंध ऐसे व्यक्ति से था दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब इस दुनिया में नहीं था, अर्थात उन वस्तुओं का संबंध उनकी माँ से था जो कि अब इस संसार में नहीं थी, अर्थात उनकी डेथ हो चुकी थी। विच वर हिडन अवे इन कवर्ड्स एंड बॉक्सेस, जिनको कि अलमारियों में छुपा करके रखा गया था और बक्सों में छुपा करके रखा गया था, एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में ही वो उनमें पड़ी हुई थी उस समय तक, अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक कि उनको पुनः अपनी जगह पर वे अपनी जगह प्राप्त न कर लें, फिर से न अपने स्थान पर पहुंच जाएं। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और वे सब चीज़ें उन वर्षों में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था उन सब चीज़ों ने, अर्थात वे सब चीज़ें लापरवाही से पड़ी हुई थी, लापरवाही को भी उन्होंने बर्दाश्त किया था उन वस्तुओं ने, क्योंकि वे तो बेचारी निर्जीव वस्तुएं थीं, दे वर थिंग्स। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें और अधिक नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, मैंने कुल मिलाकर के स्थितियाँ जो थी वो सब काफ़ी अधिक सामान्य हो गई थी। एंड वन डे शी नोटिस्ड शी वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस, एक दिन उन्होंने देखा, उनको एहसास हुआ कि उन्हें उत्सुकता है उन सब चीज़ों की बारे में, उन सब चीज़ों की, ऑल द पोजेशंस, पोजेशंस मतलब थिंग्स दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, जो उसी पते पर होंगी, माने जो मिसेस डॉर्लिंग के घर में रखी हुई होंगी, निश्चित ही रखी होंगी। शी वॉन्टेड टू सी देम, वह उन्हें देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, स्पर्श करना चाहती थी, एंड रिमेंबर और स्मरण करना चाहती थी। आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस शी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड विजिट, जो पहली विजिट मैंने पहला भ्रमण जब किया था, पहली बार जब गई थी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ, तो उनको निराशा हुई थी क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और कहा था कि वह उन्हें पहचानती ही नहीं, तो अपनी आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वेन, उस व्यर्थ पहले भ्रमण के बाद जो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ भ्रमण हुआ था जो निरर्थक रहा, उसके बाद शी डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, उन्होंने दूसरी बार उनके यहाँ जाने का निश्चय किया। नाउ इस बार जब गई तो क्या हुआ, नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपेंड द डोर टू हर, एक 15 वर्षीय बालिका ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। शी आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, तो मिसेज एस की डॉटर ने पूछा उस बालिका से, 15 वर्षीय बालिका ने से, कि क्या माँ जी आपकी घर पर हैं। नो शी सेड, उसने कहा कि मेरी माँ जी, माई मदर्स डूइंग एन इरेंट, माने काम से बाहर गई हुई हैं, घर पर नहीं हैं। नो मैटर आई सेड, उन्होंने कहा, नो मैटर शी सेड, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार कर लूँगी, आई विल वेट फॉर हर। आई किसके लिए आया है, मिसेज यस की डॉटर के लिए। तो मिसेज यस की डॉटर ने कहा उस बालिका से, कहा कोई बात नहीं है, घर पर नहीं है तो मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पासेज, फिर मिसेज एस की डॉटर उस लड़की के साथ साथ, उस लड़की के पीछे 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 मैंने गैलरी में गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, ओल्ड फैशन्ड मतलब पुराने स्टाइल का आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर
लटका हुआ था, हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, माने एक मिरर था, दर्पण था उसी के आगे। वी नेवर यूज इट, हम लोग उसका कभी प्रयोग नहीं करते थे, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि वो बहुत अधिक भारी था। कम्बरसम मतलब भारी, भारी भरकम। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, जो सिंगल कैंडल स्टिक की अपेक्षा वो काफ़ी भारी भरकम था, इसलिए उसका उपयोग, मिसेज इसकी डॉक्टर के बता रही हैं कि हम लोग उसका उपयोग कभी नहीं करते थे। तो मिसेज डॉर्लिंग की डॉक्टर ने कहा, वोंट यू स्टे डाउन, वोंट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठोगी नहीं। मिसेज डॉर्लिंग की पुत्री ने मिसेज यस की पुत्री से कहा तो वोंट यू सिट डाउन, बैठोगी नहीं क्या, बैठो। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया, एंड द डॉटर ऑफ मिसेज यस वेंट इनसाइड पास्ट हर, मिसेज यस की डॉटर जो थी वो अंदर गईं। शी स्टॉप्ड हॉरीफाइड, वो रुक गईं और भयभीत हो गईं। शी वॉज इन ए रूम, वो एक ऐसे कमरे में थी, शी न्यू, जिसे जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, उन्होंने अपने को उन वस्तुओं के बीच में पाया, शी डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिनको कि वो देखना तो चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड हर, लेकिन जो कि उन्हें व्यथित भी करती थी, इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, उस स्ट्रेंज माने अजीबोगरीब वातावरण में। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर इस वजह से कि बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बेढंगे तरीके से सब जो कुछ रखा गया था, इस वजह से, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डू नॉट नो, या फिर बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल, मतलब अगली फर्नीचर मतलब जो फर्नीचर देखने में अच्छा नहीं लगता था, मैला कुचला गंदा, या मगी स्मेल, वहाँ एक स्मेल आ रही थी सीलन जैसी, हैं, इसकी वजह से। शी डिड नॉट नो, कहती हैं कि आई डू नॉट नो, मिसेज इसकी डॉक्टर कहती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। बट आई स्केयरसली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैंने हिम्मत की बड़ी मुश्किल से अपने इर्द गिर्द देखने की। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने चेयर जो है मूव किया मेरी तरफ। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई, मैंने मिसेज यस की डॉक्टर बोल रही हैं कि मैं कि वो बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और जो टेबल क्लॉथ वुलन था, जो मेजपोस्ट था, टेबल क्लॉथ था, उसकी ओर घूर कर देख उन्होंने देखा। आई रबेड इट, उन्होंने उसको हाथ से रगड़ा, फिंगर से। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, वो कह रही हैं कि रबिंग करने से उनकी उंगलियां जो थी वो थोड़ी सी वार्म हुई। शी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। शी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उन्होंने नमूने की लाइंस जो थी उनका अनुसरण किया। शी फॉलोड द लाइंस ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज, किनारे कहीं पर, देयर शुड बी ए बर्न मार्क, एक बर्न मार्क होना चाहिए, जले का निशान होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कभी रिपेयर नहीं किया गया था। तो उस बालिका ने कहा, माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माताजी शीघ्र ही आ जाएंगी, उस लड़की ने कहा मिसेजेस की डॉक्टर से। और ये भी बताया, कहा कि आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने माँ जी के लिए चाय भी बना ली, पहले ही बना ली है, जल्दी ही आ जाएंगी, वो शीघ्र ही आएंगी। विल यू हैव ए कप, आप एक कप चाय पियेंगी। मिसेज यस की डॉक्टर ने उन्हें धन्यवाद दिया इस चाय के लिए, कहा थैंक यू। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा,
मैंने किसने ऊपर देखा, मिसेज एस की डॉटर ने जो वहाँ गई हुई थी। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने टी टेबल पर कप्स रख दिए। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी भी बैक जो थी, पीठ जो थी वो ब्रॉड थी, चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ जैसी ही थी। शी पॉर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद बर्तन से चाय गिराई कप में। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसका जो ढक्कन था जिस बर्तन से चाय गिराई तो उस पर क्या बना हुआ था, इट हैड ए गोल्ड बॉर्डर, उस पर सुनहला बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया। शी ओपेंड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पूंस आउट, उसने एक बक्सा खोला और कुछ स्पूंस मैंने चम्मच बाहर निकाले। दैट इज़ ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी क्या, कि ये तो बहुत बढ़िया बक्सा है, बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो कि इस कमरे में प्रत्येक साउंड जो थी वो भिन्न हो। ओ यू नो अबाउट देम, अरे आप उनके बारे में जानती हो। शी हैड टर्नड राउंड, वो मुड़ी, एंड ब्रॉट मी माई टी, और मेरे लिए मेरी चाय लाई। शी लाफ्ड, वो मुस्कराई। आज यहीं तक रखते हैं शेष पार्ट स्टोरी का, अगले टर्न पर पढ़ूंगा।